अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय डाक कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने गुरुवार को गोलघर स्थित मंडल कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में भारतीय डाक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कृष्ण कुमार दुबे ने बताया कि प्रशासन हमारे 4 कर्मचारियों को भार मुक्त करके महाराजगंज डाक घर भेज रहा है। महाराजगंज में 23 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे डाक घर सील हो गया है। हम लोगों ने इसके लिए प्रशासन को पत्र लिखा था कि सभी कर्मचारियों का कोविड टेस्ट कराया जाए, जिससे कि कोई भी कर्मचारी संक्रमित ना हो। हमारी मांग है कि प्रधान डाक घर पर सभी कर्मचारियों का कोविड टेस्ट करवाया जाए और प्रधान डाक घर पर अतिरिक्त गार्ड और पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए और पूरे ऑफिस को सैनिटाइज कराया जाए, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके तथा सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके और जिस 4 कर्मचारी को भार मुक्त कर रहे हैं उसको तत्काल निरस्त किया जाए, जिससे कि सभी लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए कार्य कर सके। इस मौके पर क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन सिंह, मंडलीय मंत्री संजय राय और प्रधान डाक घर के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय डाक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कृष्ण कुमार दुबे तथा क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन सिंह ने कहा, कृष्ण कुमार दुबे, भारतीय डाक कर्मचारी संघ। ये हम लोगों का कार्यक्रम प्रशासन के विरोध में है। आज प्रशासन क्या कर रहा है, हमारे 4 कर्मचारियों को भार मुक्त करके महाराजगंज प्रधान डाकघर भेजना चाहता है, जबकि महाराजगंज प्रधान डाकघर 22 तारीख से ही सील हो गया है और हमारे सारे कर्मचारी, 23 कर्मचारी वहाँ पे थे, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासन को इस संबंध में पत्र भी लिखा गया कि आप स्वास्थ्य विभाग से पत्राचार करके उनके मतलब स्वास्थ्य का हाल चाल लीजिए, लेकिन अभी तक इस संबंध में संघ को कुछ अवगत नहीं कराया गया है और लगातार कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कहकर कि ये कोरोना युद्ध वीर है, इनको कहीं भी लगाया जाए, जो भी काम करवाया जाए। हमारे कर्मचारी कहीं पीछे हटने वाले में नहीं है, लॉकडाउन में बराबर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों का उत्पीड़न प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और चैम्बर में बैठने के बाद चैम्बर में किसी भी नेता या कर्मचारी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। कह दिया जा रहा है कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग रखो। और हमारे यहाँ जो प्रधान डाकघर की अव्यवस्था है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो यहाँ पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है और जो गार्ड, हमारे 2 गार्ड लगे हुए हैं, वो भी गार्ड किसी काम लायक नहीं है। पहली बात तो ये सुन लीजिए, वो भी ऑफिस में नहीं रहते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं। एक गार्ड के लिए माननीय DPS महोदय से मिला गया था, कहा गया था, उन्होंने आदेश भी कर दिया, लेकिन अभी तक कोई गार्ड लगाया नहीं गया। कर्मचारियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए अधिकारियों की। अगर कर्मचारी हमारे अधिकारी हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और उनको भार मुक्त करने के लिए अड़े हुए हैं, तो हम उनको भार मुक्त किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। मैं जनार्दन सिंह, क्षेत्रीय सचिव, गोरखपुर रीजन गोरखपुर। आज का कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि हमारे अधिकारी जो चैम्बर में बैठे हुए हैं और हमारे कर्मचारियों के क्यों सुध नहीं ले रहे हैं, कोरोना पीरियड में क्या हो रहा है, कितनी भीड़ हो रही है, सैनिटाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा नहीं, कोई मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, किसी तरह से सैनिटाइजेशन ऑफिस में कार्य पूरी तरह से इस तरह से हो जा रहा है जैसे मार्केट, मछली मार्केट की तरह से कार्य यहाँ हो रहा है। इसके अलावा हमारे पोस्टमैनों के ऊपर डबल ड्यूटी लगाया जा रहा है, उसमें टारगेट फिक्स किया जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है, उनको चार्जशीट दिए जा रहे हैं और आज की तारीख में हमारे सीनियर पोस्ट मास्टर द्वारा 4 कर्मचारियों को महाराजगंज के लिए खाली किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही नीति विरोध है। हम सभी कर्मचारियों से जो है हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर गार्ड की सुविधा लगे और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कर लेके पुलिस की व्यवस्था रहे और जो ऑर्डर दिया जा रहा है पोस्टमैनों के ऊपर उसको भी वापस किया जाए जो है, और जो महाराजगंज के लिए खाली किया जा रहा है उनको, उस ऑर्डर को भी वापस किया जाए।